नमस्कार, ऐसा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त प्रियंका। रोबोट बना नेता 2020 में चुनाव लड़ने की है तैयारी। वैज्ञानिकों ने दुनिया का सबसे पहला कृत्रिम बुद्धि वाला राजनीतिज्ञ विकसित किया है, जो आवास, शिक्षा संबंधी नीतियों और स्थानीय मुद्दों पर पूछे गए सवालों का जवाब दे सकता है। इतना ही नहीं, उसे 2020 में न्यूजीलैंड में होने वाले आम चुनावों में उम्मीदवार बनाने की तैयारियां जोरों पर है। इस आभासी राजनीतिज्ञ का नाम सैम रखा गया है। इसके रचनाकार न्यूजीलैंड के 49 वर्षीय उद्यमी निक गैरिकसन है। उनका कहना है कि फिलहाल राजनीति में कई पूर्वाग्रह प्रतीत होते हैं। दुनिया के देश जलवायु परिवर्तन और समानता जैसे जटिल मुद्दों का हल नहीं निकल पा रहा है। कृत्रिम बुद्धि वाला राजनीतिज्ञ फेसबुक मैसेंजर के जरिए लोगों को प्रतिक्रिया देना लगातार सीख रहा है। गैरिकसन का मानना है कि एल्गोरिदम मानवीय पूर्वाग्रह पर असर डाल सकते हैं। टेक इन एशिया की खबर में कहा गया है कि प्रणाली भले ही इतनी सटीक ना हो, कई देशों के राजनीतिक व सांस्कृतिक अंतर को भरने में काफी मदद करेगी। न्यूजीलैंड में साल 2020 के आखिरी में आम चुनाव होंगे। गैरिकसन का मानना है कि तब तक सैम एक प्रत्याशी के रूप में मैदान में उतरने के लिए तैयार हो जाएगा। ये थी ऐसा न्यूज की रिपोर्ट। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि आप तक पहुंच सके हमारी हर खबर और हर वीडियो सबसे पहले।